मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर के साइंस पीजी कॉलेज कारवार के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। देखिए बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे इंटरनेशनल जनरेशन, हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था, यानी कि कारा में पी डी एकांकरण हमने समझ लिया था, तो वहीं पर उसी के साथ हमारा कारा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो जेंटोफाइसी क्लास ले रहे हैं, और जेंटोफाइसी में बाउचीरिया हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक न्यू टॉपिक है हमारे का नाम है वाउचीरिया। देखिए, आपको मैंने अभी भी बताया है कि जेंटोफाइसी क्लास की जेंटोफाइसी है, तो सिस्टमेटिक इसके सिस्टमेटिक पोजीशन पर हम जान लेते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की तरफ जान लेते हैं। इसका वर्गीकरण जो है, सबसे पहले बात करें हम डिवीजन की, तो ये ट्राइसोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। ट्राइसोफाइटा या आपको जान लेना है, ट्राइसोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। दूसरी चीज, यहां पर क्लास इसकी जो होती है वो जेंटोफाइसी होती है, क्लास जेंटोफाइसी, ठीक है ना, जेंटोफाइसी क्लास है। तीसरी चीज, क्लास ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर इसका है हेट्रोसाइफोनेल्स ऑर्डर है इसका, वाउचीरियेसी फैमिली, क्लियर, जीनस वाउचीरिया। या तो क्लासिफिकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, वाउचीरिया जो कि आपको मैंने बता दिया है, जो जेंटोफाइसी जेंटोफाइसी क्लास की एल्गी है, सेवाल है, इसमें डिवीजन ट्राइसोफाइटा है, क्लास जेंटोफाइसी मैंने बता ही दिया आपको, और हिस्ट्रोसाइफोनेस ऑर्डर है इसका, गण है फैमिली वाउचीरियेसी, वाउचेरियेसी है, और इसी प्रकार जीनस वाउचेरिया है। इसके बाद में बात करें हम हैबिटेट आवास एंड स्वभाव की बात करते हैं। देखो, आवास और स्वभाव में बात करें हम तो ये फ्रेश वाटर तथा स्थलीय आवासों में पाई जाती है, एलवीय जल व ट्रस्टल हैबिटेट है ये, एलवीय जल व स्थलीय आवासों में पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, ट्रस्टल जो हैबिटेट्स होते हैं वहां पर, और फ्रेश वाटर, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार बात करें हम लोग वाउचीरिया की जातियां, यानी कि
वाउचेरिया की जातियां, स्पीशीज ऑफ वाउचेरिया। तो देखो सबसे पहले जाति की बात करें हम लोग, वाउचेरिया जोनीसाई, जोनीसाई एक जाति जोनीसाई है, जो कि क्या है हिमोद्भिद, जहां बर्फ जमती है हिमोद्भिद आवास में होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात करें हम वाउचेरिया हेमाटा, वाउचेरिया हेमाटा स्पीशीज भी होती है इसमें। तीसरी चीज बात करें वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया एम्फीबिया इंडियन स्पीशीज है, भारतीय जाति है। इसी प्रकार वाउचेरिया पोलिस्पर्मा, वाउचेरिया पोलिस्पर्मा यह आपको ध्यान रखना है, एक वाउचेरिया की जो मेन मेन स्पीशीज है वो है, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम थैलस स्ट्रक्चर की, थैलस स्ट्रक्चर सुकाय संरचना। तो देखो सबसे पहले सुकाय संरचना में डायग्राम बना देते हैं, ये थैलस स्ट्रक्चर है, यह आपको डायग्राम बनाना है, ये क्लियर कर दीजिए, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर वाउचेरिया में हम देख रहे थे, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ब्रास्ट थैलस है यहाँ पर, ब्रास्ट
यानी कि शाखित थैलस है। इसी प्रकार इसमें यूकोनियम बनती है, ये यहाँ यूकोनिया बताए हैं, यूकोनियम बनती है, ठीक है ना, यूकोनियम बनती है। इसी प्रकार एंथ्रिडियम यहाँ पास में बनती है, लेटर जो पार्ट्स है ना यहीं पर एंथ्रिडियम भी यही बनती है। ये आपको क्या करना, अंडदानी कहते हैं इसको और इसको पूदानी कहते हैं, क्लियर। अंडदानी और पूदानी सेम ब्रांच पे आ रही है। इसी प्रकार राइजोट्स भी इसमें पाए जाते हैं। राइजोट्स कंडीशन भी यहां पाई जाती है, मूलाभास से होते हैं या स्थापन बोलते हैं इसको वैसे ज्यादातर। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यह है गहरे, यह है गहरे रंग के कालीन के समान होते हैं, जैसे कोई कालीन बिछी हुई हो उसी प्रकार से ये फ्लेटेड होते हैं। यह है गहरे रंग के कालीन के समान समान होते हैं, कालीन के समान ही होते हैं। दूसरी चीज बात करें मूलाभास, या इसको हम इसको राइजोडर्म्स बोल सकते हैं, राइजोड्स भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं हेप्टिरोन, हिंदी में बोल सकते हैं इस्ता स्थापनाम, या आपको ध्यान है कहने का मतलब क्या है, ये जो मूलाभास या जो जमीन से सोयल से पानी से जो सरफेस है उसके द्वारा अटैचमेंट किससे रखते हैं, मतलब जैसे इसमें रूट्स होती है ना तो रूट्स की जगह काम करते हैं यहाँ पर स्थापनाम, इसके द्वारा ये भूमि से सोयल से चिपके हुए रहते हैं नीचे से, ठीक है। इसके बाद में बात करें थैलस कैसा होता है, इसका थैलस नलिकाकार शाखित ब्रांच होता है, शाखित और साइफनी, साइफिनियस एंड फिलामेंटियस, साइफनी व तंतु प्रकार का होता है। दूसरी चीज यहां सेपरेट नहीं होता है, यह पट्टयुक्त नहीं होता है, यह आपको जानना है पट्टयुक्त नहीं होता है, नॉन सेप्टेड टाइप का है, पट्टयुक्त नहीं होता है। दूसरी चीज बात करें इसमें एपिकल ग्रोथ पाई जाती है, एपिकल ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि एपिकल ग्रोथ का मतलब होता है जैसे ये वाले, ये एपिकल ग्रोथ भी आते हैं थैलस में, ये एपिकल ग्रोथ भी है, या आपको ध्यान रखना है एपिकल ग्रोथ ये सी होती है, इसमें टर्मिनल जो पार्ट्स होते हैं उधर एरकिड से टैप हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर ठीक है पटीन हो गए। दूसरी चीज ये प्रकाश अनुवर्तन भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फोटोट्रोपिज्म, ध्यान रखना फोटोट्रोपिज्म टाइप के होते हैं, प्रकाश अनुवर्तन वर्तन प्रकार के भी होते हैं,
या आपको क्या करना है, ठीक है, अंडरग्राउंड राइजोबल सिस्टम होता है इसमें, ये भी ध्यान में बता दिया मैंने, सेम प्रोसीज यही है। इसके बाद में बात की जाए यहां पर, इसमें बहुकेंद्रीय प्रकार का होता है, थैलस, मल्टी न्यूक्लियर टाइप्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस टाइप के होते हैं, यानी कि बहुकेंद्रीय होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जो थैलस होता है ये बहुकेंद्रीय, यानी बहुत से केंद्रक यहाँ पर पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियर टाइप का थैलस होता है इसमें, यानी कि बहुकेंद्रीय थैलस पाया जाता है। तो सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई है हमारी, ठीक है। यह गहरे रंग का कालीन के समान रहता है जिसे कोई बिछा हुआ है वैसे, और जो भूमि से ये अटैचमेंट होता है, भूमि से जो ये जुड़ा रहता है, तो वो जुड़ा रहता है आपका स्थापना के द्वारा जुड़ा रहता है, या राइजोडल्स या राइजोड्स के, राइजोड्स जो होती है उसके द्वारा ये कनेक्ट होते हैं सोयल से, या पानी में जहाँ भी ये होंगे वहाँ पर ये इससे अटैच होते हैं, यानी कि यहाँ रूट्स की जगह राइजोड्स या ये स्थापना काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये नलिकाकार होते हैं, ट्यूब सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, साइफनी है, फिलामेंटस टाइप का है, ठीक है। इसके बाद में ये पट नहीं पाए जाते हैं, नॉन सेप्टेड टाइप का थैलस होता है यहाँ पर, वाउचीरिया में जो थैलस है नॉन सेप्टेड टाइप का थैलस पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार फोटोट्रोपिज्म प्रकार का होता है इसमें थैलस, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि प्रकाश की दिशा में मुड़ने वाला, उसे प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। थैलस मल्टी सेलुलर टाइप्स होता है, मल्टी सेलुलर भी है और मल्टी न्यूक्लियर भी है, यानी कि यहाँ पर बहुकेंद्रकीय केंद्रक पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ये थैलस स्ट्रक्चर थी इसकी। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में बात करें इसका जो फिलामेंट का जो टीएस ऑफ फिलामेंट्स जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका जो तंतु होता है वो कैसा होता है। नेक्स्ट कोर्स चलता है हमारा, अगला टॉपिक है TS of filament, TS of filament यानी कि तंतु की अनुप्रस्थ काल, तंतु की अनुप्रस्थ काल, ये टॉपिक है हमारा। यानी कि TS of filaments अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले क्रोमेटोफोर,
क्रोमेटोफोर है ना, ठीक है। दूसरी पोर्शन बात करें हम सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वैक्यूल, वैक्यूल रिक्ति का, ठीक है, रिक्ति का बोलते हैं इसको। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और ये है न्यूक्ली, न्यूक्ली न्यूक्लियस छोटा ग्रुप है इसमें न्यूक्ली, ये आपको ध्यान रखना है। टीएस तो इसमें देखो टीएस है, टीएस ऑफ फिलामेंट के अंदर आपको ध्यान क्रोमेटोफोर इसमें पाए जाते हैं, सेल वॉल पर जेम करती है, वैक्यूल या रिक्तिका पाए जाते हैं और रिक्तिका के चारों तरफ जो आवरण पाए जाते हैं उसको टोनोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखोगे रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। यह आपका जो है टोनोप्लास्ट वाला हो गया। अब अगर बात की जाए तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन की बात करेंगे, यह आपका टॉपिक हो रहा है कोशिकीय संगठन। देखो कोशिकीय संगठन सेलुलर, सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन देखिए, कोशिकीय संगठन पर चर्चा की जाए तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखूंगा कोशिका भित्ति मोटी होती है, सेल वॉल, सेल वॉल मोटी होती है पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर दो परतों में, सेल वॉल दो परतों में विभेदित, ठीक है। तीसरा बाह्य परत पेक्टिन और अंतःपरत सेलुलोज, दो परतों में ना बाह्य परत पेक्टिन से बनी होती है वह अंतःपरत सेलुलोज से निर्मित होती है, क्लियर। पेक्टिन और सेलुलोज यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज बात करें कोशिका जल जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल वॉल कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ परत के रूप में होता है, एक लेयर के रूप, आप लेयर के रूप में बता सकते हो, ठीक है, परत के रूप में पाया जाता है। तीसरी चीज इसमें बात करें मध्य भाग में, सेंट्रल जो पार्ट होता है मध्य भाग में केंद्रीय रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, ध्यान रखिए सेंट्रल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, आपको ध्यान रखना केंद्रीय रिक्तिका
पाई जाती है। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल जो होती है केंद्रीय रिक्तिका के चारों ओर सोनोप्लास्ट पाई जाती है। आवरण बता सकते हो इसको, लेयर बता दो या कवरिंग एरिया बता दो, कवरिंग कवर बता दो। ठीक है ना, टोनोप्लास्ट पाई जाती है। इसके बाद में बात करें, इसके अंदर डिस्क सेप्ट क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म से मतलब हो गया कोशिका दर। तो जो कोशिका दर होता है कोशिका द्रव में डिस्क सेप्ट आपको ध्यान रखना है, डिस्क सेप्ट क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, या आपको ध्यान रखना है क्रोमेटोफोर डिस्क सेप होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए व कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है। अगर डायग्राम पूछता है सेल स्ट्रक्चर में तो आप ये डायग्राम बना देना ताकि सेल स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो जाए। सेल स्ट्रक्चर बना देना, इसमें ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑयल ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप्स तेल बिंदु, सेंट्रल वैक्यूल यहां रहती है, जैसे एक सेल इधर भी रहती है, तो ये जो बीच का पोर्शन होता है सेंट्रल वैक्यूल होती है। सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, इसमें सेल वॉल ये है ही, या तो सेल स्ट्रक्चर में आपको सारे पॉइंट क्लियर करता हूँ, एक बार दोबारा देख लेते हम लोग। देखो सेल वॉल मोटी होती है, ट्रस्टल आवास की जो ट्रस्टल एबिटेंट्स की जितनी भी एल्गियां बाउचेरिया इस चीज में, उनकी सेल वॉल मोटी होती है, मतलब उसका कंपोजिशन जो होता है ना वो मोटा हो, मतलब अलग अलग टाइप्स से होते हैं, जैसे चूने से कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड है, इसी प्रकार जैसे सेलुलोज पेक्टिन से रिलेटेड है। तो यहाँ सेल वॉल दो लेयर दो परतों के रूप में पाई जाती है, लिखा है कोशिका भित्ति दो परतों में विभेदित होती है। अब इसके बाद में बाह्य परत, दो परतें हो गई है तो बाह्य परत की अगर बात की जाए, आउटर लेयर की अगर बात करें तो आउटर लेयर का जो कंपोजिशन होता है वो पेक्टिन होता है, मतलब पेक्टिन से जो है ये इसमें पेक्टिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार जो एंडोलेयर की बात की जाए तो सेलुलोज के द्वारा ये निर्मित होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें सेंट्रल पार्ट प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्म मींस कोशिका द्रव वो सेल वॉल के अंदर की तरफ एक परत के रूप में होता है, याद रखना कोशिका द्रव जो होता है ना वो कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ परत के रूप में होता है, याद रखना कोशिका द्रव कोशिका भित्ति के अंदर परत के रूप में पाया जाता है, या आपको ध्यान देना है।
ठीक है, परत के रूप में पाया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, सेंट्रल वैक्यूल जिसमें कोशिका रस पाया जाता है जिसे सेंट्रल वैक्यूल होती है। सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ जो आवरण होता है क्लोरोप्लास्ट आपको बताया गया है, और कोशिका जो कोशिका ध्रुव होता है उसके कोशिका में डिस्क सेप्ट क्रोमेटोफोर पाया जाता है। कोशिका ध्रुव में डिस्क सेप्ट क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। इसी प्रकार क्लोरोफिल ए व कैरोटीनॉइड्स प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में ये डायग्राम आपके दोनों के सेल स्ट्रक्चर को जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करें, हम रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन संबंधी बात करते हैं बाउचीरिया में। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लास्ट में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक तो हो गया काइट जनन, ठीक है, एक हो गया एलैंगिक जनन और एक हो गया लैंगिक जनन। या आपको ध्यान रखना, तो कारा के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमारा पॉइंट चलेगा तीन विधियों के द्वारा जनन हो रहा है, ये लो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ध्यान रखोगे। देखो कारा के अंदर, सॉरी कारा के बाउचेरिया में काई जनन, वाउचीरिया में काई जनन विखंडन विधि द्वारा, विखंडन से मतलब टूटना है, फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा इसमें आपको जानना है कारा में बाउचीरिया में काई जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। अगर किसी कारण से या कारणवश थैलस के टुकड़े हो जाए, थैलस के टुकड़े हो जाए तो प्रत्येक खंड या टुकड़े से नया पाउचीरिया थैलस बन सकता है। तो वाउचीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा होता है। अगर किसी कारण थैलस के फ्रेगमेंट्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक फ्रेगमेंट से नया वाउचीरिया बनता है। तो सिंपल यहाँ लैंग्वेज में आया है, तो किस हिसाब से क्या हो रहा है, ये सिंपल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको इतना ही बताना है। बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। एसेक्सुअल
क्वेश्चन की बात करेंगे। एल एन इन जनरल, देखो भाई अलैंगिक जनन मींस यानी कि अलैंगिक जनन इसमें होता है बाईस ओवर बीजाणु के द्वारा, बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, याद ध्यान रखना बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब इसमें बीजाणु जो होते हैं स्पोर कौन से होते हैं, तो टाइप ऑफ स्पोर्स कर देता हूं, टाइप ऑफ स्पोर, स्पोर्स तो एक तो आएगा आपका जू स्पोर्स, जू स्पोर्स जिसे बोलते हैं चल बीजाणु, ध्यान रखोगे चल बीजाणु यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होती है यहाँ पर, तभी तो चल बीजाणु बोलते हैं, जू स्पोर्स। दूसरा आ गया आपका जू स्पोर, दूसरा बीजाणु है आपका एप्लॉन स्पोर, एप्लॉन स्पोर ठीक है, अचल बीजाणु, अचल बीजाणु ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो है एकाई नीट या एकाई नीट, एकाई टी, एकाई नीट बता दो, एकाई नीट। और लास्ट में ये आपके तीन स्कोर बनते हैं, एकाई नीट ठीक है ना, ये थ्री टाइप्स के स्कोर बनते हैं यहाँ पर, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एलिंगिक जनन में आपको ध्यान रखना है तीन प्रकार के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि तीन इन स्पोर्स के द्वारा इसमें एसेक्सुअल या एलिंगिक जनन तीन बीजाणुओं के द्वारा होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जू स्पोर, एप्लॉन स्पोर, एकाइनिट ये जो होते हैं ना इनके द्वारा इसमें एलिंगिक जनन होता है, कैसे होगा वो आगे देखें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जू स्पोर की, जू स्पोर्स चल बीजाणु की बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा जू स्पोर चल बीजाणु, देखो फर्स्ट पॉइंट है जू स्पोर्स चल बीजाणु, ये पॉइंट है। चल बीजाणु के द्वारा कैसा होगा, देखो चल बीजाणु सबसे पहले तो चल बीजाणु जो होते हैं जू स्पोर जलीय जातियों में यानी कि जलीय जातियों में बनते हैं, जलीय जातियों में बनते हैं जू स्पोर्स, कहाँ बनते हैं जलीय जातियों में बनते हैं। दूसरा इनका निर्माण जू स्पोरेंजियम, निर्माण फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर्स इन जू स्पोरेंजियम, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानियों में होता है, तो ये आप ध्यान रखना, जू स्पोर का मतलब चल बीजाणु, जू स्पोरेंजियम का मतलब चल बीजाणु धानियों में, चल बीजाणु धानियों में, तो चल बीजाणु धानियों में इनका निर्माण होता है। अब चल बीजाणु धानी क्या होती है, टर्मिनल पार्ट होती है जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम इज ए टर्मिनल
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर डेवलपमेंट, चल भी जाना पड़ रहा है अभी, पॉइंट चेंज नहीं करना है, पॉइंट को ध्यान रखना है। पॉइंट अगर चेंज हो जाएगा तो वो चीज़ समझ में नहीं बैठेगी, सीधी सी बात ये है। तो आप पॉइंट को बिल्कुल तरीके से पढ़ते हुए चलोगे, तीन प्रकार के, तीन टाइप्स के, एकाएक, इसी प्रकार जो स्पोर, एप्लॉन स्पोर, तीन प्रकार के यहाँ पर एप्लॉन स्पोर, तीन प्रकार के स्पोर बनते हैं। इन तीन प्रकार के स्पोर में सबसे पहला जो स्पोर है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर है, वो होता है चल बीजाणु जी स्पोर्स। अब चल बीजाणु जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, हेडोफाइट्स जो होते हैं, जलोद्भिद स्पीशीज में बनते हैं ये, एक्वाटिक, आप उसको बता दो एक्वाटिक मीडियम वाली जितनी भी स्पीशीज होती है वाउचेरिया, वो सब में चल स्पोर्स या जू स्पोर्स बनते हैं। ऐसे दूसरी चीज, जू स्पोर्स जो होते हैं, चल बीजाणु जो बनते हैं वो जू स्पोरेंजियम चल बीजाणु धानियों में बनते हैं, ये क्लियर कर लेना। और तीसरी चीज, जू स्पोरेंजियम जो होती है वो टर्मिनल पार्ट्स पर होती है, किसके, वाउचीरिया के टर्मिनल पार्ट्स पर होती है, यानी कि शीर्षक भाग पर, टर्मिनल पार्ट्स मतलब शीर्षक भाग पर होती है। अब ये जो जो है डेवलपमेंट ऑफ जू स्पोरेंजियम यानी कि चल बीजाणु दाने का विकास टर्मिनल पार्ट पर कैसे होता है वो चीज हम समझेंगे। तो पॉइंट ले लेते हैं आगे, पॉइंट अभी हमारा फर्स्ट चल रहा है, जू स्पोर से चल रहा है। तो पॉइंट आता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ जू स्पोरेंजियम यानी कि चल बीजाणु दानी का विकास कैसे होता है, जू स्पोरेंजियम चल बीजाणु दानी। तो चल बीजाणु दानी का निर्माण कैसे होगा वो चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको जैसे मान लो यहाँ ये डायग्राम के थ्रू लेते हैं ताकि साथ के साथ समझते भी हुए चले हम। ये हमारे पास एक डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पर आप इसको सेप्टेट शो कर दें, ये साहब यहाँ सेप्टेट शो कर दिया हमने, ये। अब यहाँ ये वो क्रोमेटोफोर वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, प्रोटोप्लाज्म, सारी चीजें यहाँ एक जगह इकट्ठी है। ये तंतु है एक तरह का, फिलामेंट्स है ये, ऐसे मान लो या लिख सकते हैं वाउचीरिया फिलामेंट, ये वाउचीरिया तंतु है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले क्या करोगे, अंतस्थ भाग पर जीव द्रव्य इकट्ठा हो गया,